नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह गुरुवार को मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने जन विश्वास यात्रा में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बुआ बहुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाएं तब भी मेरे भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं गलने वाली। शाह ने कहा कि आपको याद है जब सपा की सरकार थी तो बिजली कितनी आती थी, ये सपा वाले बिजली रानी को भी उठा ले गए थे। आज भाजपा की सरकार है तो बिजली रानी को लाने का काम किया है। मुरादाबाद में अमित शाह की हुंकार सुनने के लिए मिली है। आपको बता दें कि मिशन 2022 के तहत बीजेपी की जन विश्वास यात्रा हर गांव हर शहर पहुंच रही है। ऐसे में आज मुरादाबाद पहुंची है यात्रा, जहां पर इस यात्रा को संबोधित किया गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन भी सौगातों की बारिश की है। उन्होंने रामगढ़ ताल क्षेत्र स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में 1,305 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इसके पहले सीएम योगी विश्व स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के यूपी के पहले वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे। यहां पर उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बटन दबाकर लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित किया है। इसके बाद उन्होंने पूरे परिसर का भ्रमण कर बारीकी के साथ इसके बारे में अधिकारियों के साथ जानकारी हासिल की है। गोरखपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ योगी आदित्यनाथ पहुंचे और योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से गोरखपुर वासियों को बड़ी सौगात दी है। दूसरा दिन था आज दो दिवसीय दौरे का और इस दिन भी सौगातों की बारिश रही। हालांकि बता दें कि रामगढ़ ताल क्षेत्र स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में 1,305 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण उन्होंने किया है। इसके पहले सीएम योगी विश्व स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के यूपी के पहले वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां पर उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बटन दबाकर लोकार्पण किया और इसे जनता को समर्पित किया है। इसके बाद उन्होंने पूरे परिसर का भ्रमण कर बारीकी के साथ इसके बारे में अधिकारियों के साथ जानकारी भी हासिल की है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को पीलीभीत पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष की सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारें दंगा कराने वाली थी और पिछली सरकारों में अराजकता और भ्रष्टाचार था, वहीं अब की सरकार में प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है। पीलीभीत की तस्वीरें आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में पहुंचे हैं और सिकड़ी में पीलीभीत भी पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष की सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारें दंगा कराने में माहिर थी और पिछली सरकारों में अराजकता भ्रष्टाचार अपराध चरम पर था, वहीं अब की बार सरकार में बीजेपी है और प्रदेश में लगातार विकास का काम किया जा रहा है। तो पीलीभीत की तस्वीरें, मिशन 2022 पर बीजेपी और सिकड़ी में बीजेपी के बड़े चेहरे लगातार हर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। सिकड़ी में पीलीभीत में योगी आदित्यनाथ पहुंचे, एक जनसभा को संबोधित किया है, विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार बढ़ा था, अराजकता बढ़ी थी, अपराध बढ़ रहा था, चरम पर था, लेकिन अब लगातार प्रदेश में विकास की गति को धार मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर यूपी के जनपद कानपुर देहात का जिला मुख्यालय तेजी से तैयार हो रहा है। बता दें कि शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर देहात पहुंचेंगे, जहां वो जनता को करोड़ों की सौगात भी देंगे। वहीं सीएम के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद भी हो चुका है। कानपुर देहात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है मिशन 2022 को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी काफिले को लेकर वो कानपुर देहात पहुंचेंगे कल, जिसकी तैयारियां पहले से ही की जा चुकी हैं। जनता को बड़ी सौगात यहां देंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं तैयारियां किस स्तर पर चल रही है। अधिकारियों की निगरानी में अधिकारी भी यहां पर पहुंचे हुए तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इकतीस दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण प्रस्तावित है यहाँ पर, उसी क्रम में शासकीय परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा और एक जनसभा भी होगी, उसी की तैयारी कलेक्ट्रेट के मैदान में की जा रही है। क्या कार्यक्रम रहेगा इस दौरान? हाँ, मुख्य रूप से जो बहुत सारी परियोजनाएं जिनका शिलान्यास
होना है और जो परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं पिछले कुछ समय में उनका लोकार्पण होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 31 दिसंबर को प्रस्तावित है, जिसके संदर्भ में सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड, ट्रैफिक व्यवस्था, अन्य सभी बंदोबस्त के बारे में प्लान किया गया है। जो हमारे पास फोर्स उपलब्ध है उसको भी लगाया जाएगा, साथ ही बाहर से भी फोर्स मंगाई जा रही है, PSC की कंपनियां मंगाई जा रही है। पीलीभीत में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पहुंची, इस दौरान कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने जनता को संबोधित किया है। वहीं अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीलीभीत की तस्वीरें, मिशन 2022 पर बीजेपी लगातार बनी हुई है। कैबिनेट मंत्री ने जनता को संबोधित किया है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पीलीभीत की, जहां पर बीजेपी की जनविश्वास यात्रा पहुंची थी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने जनता को संबोधित किया। वहीं अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं, सरकार ने जो कामकाज किए हैं वो गिनाए, साथ ही साथ विपक्ष पर भी वो हमलावर होते हुए नजर आए हैं। यात्रा पूरे प्रदेश में कई दिन से चल रही है और मैं खुद देखा है अपार जन समर्थन। किसी भी जिले में चले जाओ, भाजपा के प्रति जो प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल रहा है 7 वर्षों का और योगी जी की 5 साल जो सरकार चली है, ये उसी का परिणाम है कि जनता खुले दिल से आशीर्वाद दे रही है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो कार्य किए हैं, उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन आया है और आगे 5 वर्षों के लिए क्या करना है, जनता वो चाहती है। एटा में सीमेंट व्यापारी संदीप गुप्ता के घर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, साथ ही परिवार से बातचीत भी की। इस दौरान अजय लल्लू ने प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों जंगल राज चल रहा है। एटा की तस्वीरें, सीमेंट व्यापारी के घर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान वो सरकार पर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में इस वक्त जंगल राज चल रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जनता ने तय कर लिया है कि 2022 में कांग्रेस आएगी। तो एटा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, उन्हें सांत्वना दी है, साथ ही साथ इस दौरान वो सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। परिवार से बातचीत में उन्होंने कहा है कि लगातार जंगल राज बढ़ रहा है प्रदेश में, अपराध बेलगाम है, दबंग दबंगई दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसलिए सरकार जाने वाली है, जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी मुक्त प्रदेश को किया जाएगा। तो एटा की तस्वीरें, सीमेंट व्यापारी के घर पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सरकार पर हमलावर होते हुए यहां पर अजय कुमार लल्लू नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है। जिनकी हत्या हुई है वो एक मृदुल स्वभाव के व्यक्ति थे, मिलनसार थे, किसी तरह का घर वालों ने बताया कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अकारण उनकी हत्या करना, बदमाशों के द्वारा हत्या करना, अब तक पूरे तह तक न पहुंचना, अभी जो खुलासा भी हुआ है, परिवार वालों का यह कहना है कि जो लोग दोषी हैं अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि अब तक अपराधी नहीं पकड़े गए? कौन सा ऐसा कारण है कि परिवार के लोगों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है? हमारी मांग है कि अविलंब दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। 2022 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी भी अपनी सियासी जमीन तलाशने में लगी हुई है, जिसके तहत जिला महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष स्वप्निल शर्मा बदायूं के दातागंज विधानसभा के कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान कांग्रेस की जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा लेकर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे प्रदेश की महिलाओं को आगे ला रही है। बदायूं की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिला कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष यहां पहुंची और यहां पर उन्होंने एक जनसभा की है। इस जनसभा में उन्होंने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारे को और ज़्यादा बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, जगह दें और आगे बढ़ने का मौका दें।
तो 2022 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति में लगी हुई है। सियासी जमीन तलाशने की कोशिश हो रही है, जिसके तहत अगर बात की जाए जिला महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष की, जिनका नाम स्वप्निल शर्मा है, वो बदायूं के दातागंज पहुंची और वहां एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। इस दौरान कांग्रेस की जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा जो है, हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जा रहे हैं और पूरे प्रदेश की महिलाओं को आगे लेकर कांग्रेस चल रही है। बहुत मजबूत हो चुकी है, प्रियंका जी के नेतृत्व में महिलाएं जाग चुकी हैं, पुरुष जाग चुके हैं और आपको दिख रहा है कि शायद अब जनता जाग चुकी है। इन्हें महिलाएं पुरुषों में ना बांटें, हम कहें कि जनता जाग चुकी है, जनता को अपने हक समझ में आ चुके हैं और जनता को ये भी समझ में आ चुका है कि सिर्फ जुमले से ज़िंदगी नहीं कटने वाली है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जुमले दिए जाते हैं, ना तो बेटियाँ बच रही हैं ना पढ़ रही हैं, और इसी चीज़ को आगे लेकर आई हैं प्रियंका गांधी। उनके नेतृत्व में कांग्रेस का सरकार जरूर। बांदा में धान खरीद केंद्र पर धान की खरीद न होने पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं गुस्साए किसानों ने एनएच पर चक्का जाम लगा दिया। वहीं इस चक्का जाम से नेशनल हाईवे पर घंटों तक लोग परेशान रहे। वहीं घंटों जाम की स्थिति के बाद भी मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। बांदा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसानों ने चक्का जाम कर दिया। धान की खरीद ना होने से गुस्साए किसान धरने पर बैठ गए और चक्का जाम करते हुए नजर आए हैं। घंटों तक लोग परेशान रहे, गाड़ियां वहां से हिल नहीं पा रही थी, उसके बावजूद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ना तो समझाने की कोशिश की गई है, ना ही जाम को खुलवाने की कोशिश की गई। बस्ती में गन्ना किसानों की ओर से गन्ना तोल केंद्र में चीनी मिल और उसके अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। किसानों का कहना है कि गन्ना तोल केंद्र पर हो रही घटतौली और गन्ने की तोल समय से न होने के कारण ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इस प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे गन्ना अधिकारी ने आश्वासन देकर किसानों को शांत कराया। बस्ती की तस्वीरें आप देख रहे हैं, गन्ना किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। चीनी मिल और अधिकारियों के खिलाफ ये प्रदर्शन किसानों का लगातार जारी रहा है। उनका कहना है कि हमारा भुगतान नहीं हो पा रहा है और जो कीमत है वो सही तरीके से नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान है। उनका कहना है कि ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। किसानों का कहना है कि गन्ना तोल केंद्र पर हो रही घटतौली और किसानों की तोल समय से न होने के कारण ये प्रदर्शन हुआ है। वहीं इस प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे गन्ना अधिकारी ने आश्वासन देकर किसानों को किसी तरह से शांत कराया। हाँ, इस संबंध में एक वायरल हुआ था कि एक रक्षाराम वर्मा जी ने आज, जो कि हमारे समिति के सदस्य नहीं है, वो हमारे गन्ना किसान नहीं है, वो थाने पे जो गन्ना जलाए और जिसका भी वो ट्रॉली पे ले गए थे 27 की पर्ची थी और उनकी 29 तक तौल होनी थी। तो जैसा उन्होंने कहा कि 15 दिन तक खड़े हैं, वो गलत था और उनकी कल तक थी डेट और तौल भी हो जाएगी। और 27 को चीनी मिल बंद थी, इस कारण थोड़ा जाम का था। और 28 को आप लोग देख ही रहे हैं बारिश हो गई है 29 को, तो इसलिए भी थोड़ा वो था। और फिर जाम की स्थिति में हम लोग स्वयं गए थे और इसमें ये हुआ कि बिना पर्ची के अनाधिक रूप से भी लोग वहाँ ट्रॉलियाँ लेके खड़े थे जी। कानपुर देहात में बाग में एक युवक का जला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि मृतक बाग की निगरानी का काम किया करता था और पिछले 10 सालों से गांव में ही रह रहा था। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर देहात का ये पूरा मामला, जहाँ पर एक बाग में युवक का जला हुआ शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि वो बाग की रखवाली किया करता था और पिछले 10 सालों से गाँव में ही रह रहा था। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो कानपुर देहात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक बाग में युवक का जला हुआ शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि इस बाग की निगरानी ये शख्स किया करता था और पिछले 10 सालों से गांव में ही रह रहा था। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को अपने कब्जे में भी ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना मंगलपुर के संदरपुर चौकी क्षेत्र में चौकी से करीब 500 मीटर दूर एक अमरूद के बाग में छप्पर के नीचे एक तख्त पर सोए हुए व्यक्ति की लाश मिली है।
प्रथम दृष्टया देखने से हत्या के बाद शव को जलाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी पत्नी के द्वारा तहरीर दिया गया है कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। जानकारी मिली है कि वो मूलतः सिकंदरा थाना क्षेत्र का रहने वाला था और पिछले 10-12 सालों से अपने ससुराल में रह करके बाघ की रखवाली करता था। घटना हम सब नहीं बता पाएंगे, हम जब बता रहे कि रात की घटना, हम 5:15 पीएम से चले जाते हैं। 5:15 बजे? हाँ। तो ये बंदा यहाँ कैसे है? अब वो हम क्या बताएं कैसे है। आप तो यहाँ रखवाली करते थे, क्या इनका किसी के साथ कोई विवाद था, क्या था? विवाद तो साहब इनके चीज नहीं है, उनके रिश्तेदार सब लोग ठाड़े माई मोहल्ला रहने वाला। लखीमपुर खीरी के मितौली खीरी थाना क्षेत्र के गांव सिमरावा में पानी भरने से मना करने पर गांव के कुछ लोगों ने युवक की लोहे की रॉड से जमकर पीट पीट कर हत्या कर दी। मृतक की मां ने बताया कि आरोपी उनके निजी नल पर रोज पानी भरने के लिए आते हैं और अभी उसका मकान बन रहा था, जिसकी वजह से उन्हें पानी भरने से मना कर दिया, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने उनके बेटे की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। लखीमपुर का एक पूरा मामला है जहां पर युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। दरअसल मामूली सी बात थी, सिर्फ पानी भरने को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ युवकों ने मिलकर एक शख्स को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। फिलहाल परिजनों का आरोप है कि पानी ना भरने देने पर यह पूरा बवाल हुआ और उनके बेटे की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। संभल में बोरे में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं महिला के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस महिला की हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जता रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन भी की जा रही है। संभल का एक पूरा मामला है जहां पर एक बोरे में महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस का कहना है कि हत्या करके शव को बोरे में भरकर यहां फेंक दिया गया है। हत्या के पीछे की वजह क्या है, ये जानने की कोशिश पुलिस कर रही है। ये जनपद संभल में संभल गवा मार्ग पे लगता हुआ गांव है मूसापुर। मूसापुर की तरफ जो रास्ता गया है उसी पे थोड़ी दूर आगे जाके एक बोरी में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी आज सुबह, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। उसको आवश्यक कार्रवाई करके मोर्चरी भेज दिया गया है। पहचान के लिए प्रयास किया जा रहा है, जो निकल के आएगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं शामली में कुर्सी पर बवाल मचा हुआ है। यहां पर पालिका चेयरमैन की ओर से अधिशासी अधिकारी पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया गया। चेयरमैन ने कहा कि अधिशासी अधिकारी रोजाना उनकी कुर्सी पर बैठ जाती है और आज बोर्ड की मीटिंग के दौरान भी ऐसा ही हुआ, जिससे नाराज चेयरमैन सभासदों के साथ पालिका में धरने पर बैठ गए हैं। शामली की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कुर्सी को लेकर बवाल मचा हुआ है। आदिवासी अधिकारी गंभीर आरोप लगा रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पालिका चेयरमैन की ओर से अधिशासी अधिकारी पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया गया है। चेयरमैन का कहना है कि अधिशासी अधिकारी रोजाना उनकी कुर्सी पर बैठ जाती हैं और आज बोर्ड की मीटिंग जब चल रही थी उस दौरान भी ऐसा ही हुआ, जिससे नाराज होकर चेयरमैन सभासदों के साथ पालिका में धरने पर बैठ गए, उठने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा है, आज बोर्ड था और बोर्ड में आज SDM साहब जो EO का चार्ज है जिन पे वह आई और हमने सब ने मेम्बरों ने और चेयरमैन ने बना रखा था भाई, इन्हें सम्मानित करेंगे, इनके फूल माला घेर के स्वागत करेंगे। तो स्वागत करने से पहले ही अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गई। उस पर 2-4 मेम्बरों ने कहा भाई अध्यक्ष की कुर्सी आप बराबर में दूसरी कुर्सी पड़ी हुई है, बराबर में इतनी ऊंची कुर्सी पड़ी हुई है, आप उस पर बैठ जाओ। इसने कहा नहीं मैं इसी पर बैठूंगी, वरना आपको वोट करना आप कर लो, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से।
ऐसा कोई इस आरोप में कोई सत्यता नहीं है। चेयरमैन साहब उनके अपनी गरिमा है, वो अपनी कुर्सी उनकी है, और जैसे ही मैं कुर्सी पर बैठी तो मैं दूसरी कुर्सी अरेंज करने के लिए बाहर गई, तो इतने में बोलने लगे कि आप कुर्सी पर क्यों बैठे हो, तो दूसरी कुर्सी मैं अरेंज करवा दी थी उस समय। इनका उद्देश्य नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रवासियों का क्षेत्र का विकास करना है, लेकिन जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं मणि अरोरा जी, उनके द्वारा जो है निरंतर सभासदों का भी और चेयरमैन साहब का भी अपमानित किया जा रहा। आज भी बोर्ड की मीटिंग थी, बोर्ड की मीटिंग में प्रोटोकॉल होता है अध्यक्ष। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दीपक शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, चेयरमैन हैं जो नगर पालिका परिषद के, आखिर इतनी नाराजगी उन्हें क्यों है कि वो धरने पर ही बैठ गए हैं सभासदों के साथ? जी दीपक, तो क्या धरने के बाद इस पूरे मामले में कोई नया मोड़ आया है या फिर रूठना मनाना अभी भी चल रहा है? बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो शामली का एक पूरा मामला है जहां पर अधिशासी अधिकारी जो हैं उनसे नाराजगी जो है वो नगर पालिका परिषद के चेयरमैन की देखी जा रही है। उनका कहना है कि वो उनकी कुर्सी पर बैठ जाती हैं, जिससे वो नाराज हैं और उनका अपमान हो रहा है, जिसकी वजह से वो धरने पर बैठ गए सभासदों के साथ। उनका कहना है कि वो माफी मांगे और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोई फैसला ले। सहारनपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है जहां पर टोल प्लाजा पर लड़कियों में जमकर लात घूंसे चले हैं। बता दें कि सहारनपुर में टोल ना देने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें टोल प्लाजा पर महिला टोल कर्मी और एक महिला में जमकर मारपिटाई हुई है, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मारपिटाई इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से युवक भी आमने सामने आ गए। हालांकि दोनों पक्षों में से किसी ने भी थाने में शिकायत नहीं की है और आपस में ही समझौता हो गया। वही बताया जा रहा है कि कार सवार युवक युवती नशे में धुत थे और इसी कारण ये पूरा विवाद इतना बढ़ता हुआ नजर आया। फिलहाल किसी ने ये वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया है और अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बिजनौर पिटाईकर राइफल छीनकर फरार हुए बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस को आज उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस टीम ने 25,000 के इनामी एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उसकी निशानदेही पर राइफल को भी बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी का दूसरा साथी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। तो बिजनौर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी जहां पर 25,000 के बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके निशानदेही पर एक राइफल जो कि बदमाशों ने लूट ली थी वो भी बरामद कर ली गई है, लेकिन जो दूसरा साथी है वो अभी गिरफ्त में नहीं आ पाया है, जिसकी तलाश की जा रही है। कल रात्रि में लगभग 12:45 बजे दो सिपाही जो अफजलगढ़ थाने के भूतपुरी पर, एक होमगार्ड एक सिपाही पिकेट पर थे, इंसास राइफल 303 के साथ दो बदमाश रहमान और हैदर अफजलगढ़ साइड से आ रहे थे, मैली में फिसल गए। ट्रक वाले से विवाद हो रहा था, पुलिस पिकेट के सिपाही वहां पर पहुंचे, इनसे वाद विवाद हुआ। इन बदमाशों ने अचानक लावर होकर के जानलेवा हमला किया। बांदा में ग्राम सचिव का अनोखा कारनामा सामने आया जहां ग्राम सचिव ने एक जिंदा व्यक्ति को मृत बता दिया। वहीं व्यक्ति पिछले 6 महीने से अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। वहीं मामले में अब महिला आयोग की सदस्य ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल में मौजूदा विश्वविख्यात दूधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से सटे रिहायशी इलाकों में तेंदुआ देखने को मिला। वहीं इस तेंदुए के आसपास देखे जाने से इलाकों में सनसनी फैल गई। वहीं तेंदुए का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।